न्यूजीलैंड को हराकर वीमेंस वर्ल्ड टी20 में जीत से आगाज करने वाली भारतीय टीम रविवार को अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है। बता दें कि यह दो टीमें जब पिछली बार वीमेंस वर्ल्ड टी20 के मैच में भिड़ी थी तो पाकिस्तान टीम ने डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर महज 2 रन से जीत दर्ज की थी। 19 मार्च 2016 को दिल्ली में मिली इस हार की टेस्ट आज भी भारतीय खिलाड़ियों और फैंस के मन में है। इस हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम बेताब है। ICC टीम रैंकिंग्स में भारतीय महिला टीम 5वें जबकि पाकिस्तान 7वें स्थान पर है। भारत ने दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड को हराया, जो वीमेंस वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट में भारत की न्यूजीलैंड पर 3 मैचों में पहली जीत थी। न्यूजीलैंड ने भारत को 2009 और 2010 में वीमेंस वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट के दौरान क्रमशः 52 रन और 10 रन से हराया था। पाकिस्तान चूंकि अपने पहले ही मैच में दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम ऑस्ट्रेलिया से 52 रन से हार चुका है, इसलिए भारत को संडे के मैच में पाकिस्तान ने भारत को केवल 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हराया है। दोनों ही हार उसे वीमेंस वर्ल्ड टी20 के दौरान क्रमशः 2012 और 2016 में मिली। 2016 में दिल्ली में मिली हार के बाद से भारत ने पाकिस्तान का सामना टी20 फॉर्मेट में 3 बार किया है और तीनों ही बार जीत का परचम लहराया है। 2016 में भारत ने थाईलैंड में खेले गए वीमेंस एशिया टी20 कप में पाकिस्तान को दोनों मैचों में हराया था। तब भारत ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस साल यानी 2018 में मलेशिया में खेले गए वीमेंस एशिया टी20 कप में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हुए। इस बार भी जीत भारत के ही हाथ लगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।